आज हम बनाएंगे कच्चे पपीता की सब्जी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 kg कच्चा पपीता, 2 चम्मच घी, 1 छोटी चम्मच सरसों दाना, 1 छोटी चम्मच जीरा दाना, हल्दी 1/2 छोटी चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले एक ताज़ा कच्चा पपीता लेंगे। फिर उसके दोनों छोर को काट लेंगे। फिर उसे अच्छी तरह से चाकू या छिलना से छील लेंगे। पूरी तरह छीलने के बाद हम उसे अच्छी तरह से धो लेंगे। पपीता को 2 भाग में काटेंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर की सारी बीजों को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद पपीता को हम फिर से अच्छी तरह से धोएंगे। फिर 1 भाग को 3 भाग में काटेंगे। फिर हम उसे पतला पतला काट लेंगे। सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। पपीता, घी, जीरा दाना, सरसों दाना, हल्दी और नमक। सबसे पहले गैस को चालू करेंगे। बर्तन गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच सरसों दाना और 1 छोटा चम्मच जीरा दाना। गैस को हम धीमी आंच पर रखेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे पपीता, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच से हल्दी। फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर इसे हम 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। ढक्कन खोलकर हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। फिर इसे हम 5 मिनट तक और ढककर पकाएंगे। फिर अंत में हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। स्पैचुला से हम पपीता को दबाकर देखेंगे कि वो अच्छी तरह से पक गया हो। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। इसे हम किसी कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम इसे गर्म गर्म खाने के साथ परोस सकते हैं।